करके ऐसे लेना है हमको एंड देन इसको अच्छे से प्लेन करने का। कॉटन का दुपट्टा जो होता है ना वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है। और फिर मैं ना इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आज का व्लॉग बहुत ही रिक्वेस्टेड व्लॉग है, मोस्ट रिक्वेस्टेड बोलते हैं ना वो वाला व्लॉग है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि वो रिक्वेस्ट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। एक्चुअली कैसा ना फरा, आप लोग के कॉमेंट्स नहीं पढ़ते, मैं ही पढ़ता हूँ। तो मैंने कल के व्लॉग में भी देखा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट यही थे कि फरा जो हिजाब पहनते हैं उसका वीडियो बनाओ, यहाँ तक कि आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर रहे हो। तो मैंने कल फरा को बताया, सभी उनको कमेंट बताया कि देखो कितने लोग आपको पूछ रहे हैं, मतलब कितने लोग फरा का जो हिजाब का तरीका है, जो स्टाइल है, वो इतना ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा आप लोग फरा का जो हिजाब पहनने का स्टाइल है वो पसंद कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया, मैंने बोला पहली फुर्सत में आपको ये वाला वीडियो बनाना चाहिए फरा, क्योंकि कल मैंने सभी को पक्का प्रॉमिस भी किया था कि नेक्स्ट व्लॉग जो हमारा आएगा वो यही रहेगा। तो मैंने फरा को कल बताया, फरा भी मान गए हैं। अभी देखिए वो उसी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज ये वही वीडियो है, उसमें आप फरा आपको ज़रूर बताएंगे कि वो जैसे बांधते हैं ना वो आपको बताएंगे। फिर आपको ये देखिए कैसे नीचे उतर रहा है, ये अभी जस्ट उठा है ना नींद में से, इसको पहले नीचे छोड़ते हैं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कल के आप सभी के कमेंट्स पढ़ के, मतलब अभी अच्छा भी लग रहा है कि फरा का जो स्टाइल है हिजाब का वो आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे अलग से खुशी हो गई है। तो मैंने कल इनको बताया, मैं इनको वैसे भी बोल ही रहा था कि जिसमें आपको सभी लोग पूछ रहे हैं कि हिजाब कैसे बांधते हैं, एक बार उसका वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आते थे फरा, बहुत लोग पूछते थे। तो कल मैंने इनको सभी बताया तो इन्होंने भी बोला रहे हाँ बहुत लोग पूछ रहे, तो चलिए इस पर बना ही देते हैं। तो हो गया रेडी अब? हाँ, मैंने कैप भी पहन ली हूँ, तो चलिए अभी रेडी कर, मतलब मैं बताती हूँ आपको तरीका कैसे हमें ये बांधना है। बहुत ही सिंपल वे में है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरा बहुत हार्ड है, बहुत सारे पिंस वगैरह, 3 पिंस लगेंगे हमको और एक सेफ्टी पिन लगेंगे, दैट्स इट। चलो मैं अभी फरा का वीडियो शूट करता हूँ, वो आपको बता देंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ये पहले तो हमें कैप पहन लेना है एज यू विश, अगर आप नहीं भी पहनना चाहते हो तो इट्स ओके। और समीर को भी मैंने रुकाया है, वो ऐसे पकड़ के रुके और मैं फ्रंट पे, क्योंकि मुझे देखना भी चाहिए ना मैं कैसे बांध रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है। अभी दुपट्टा का लेंथ होगा ना उसके हिसाब से ये फोल्ड करना है। मैंने अभी इतना 4 इंच का टाइप पे से फोल्ड किया है, 2 इंच 3 इंच जितना आप चाहे उतना कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ निजान भी है, क्योंकि पीछे ये देखो खेल रहा है और वहाँ पे पिंस भी है ना। तो चलिए, तो इधर थोड़ा सा रखना है हमको। तो मैं ये जो दुपट्ट मेरा ड्रेस के ऊपर का है ना, मैं वही बता रही हूँ। तो इसको बराबर से ऐसे करना है, इसको ये 2 उंगली को ऐसे रख के यहाँ पे, और फिर हमको इसकी नोक ऐसे निकालनी है। अगर आपकी नोक दुपट्टे की नहीं बैठ रही तो यहाँ पे आप और एक पिन लगा सकते हो। तो चलिए अभी मैं ये सेफ्टी पिन लगाती हूँ। पिछले व्लॉग में भी आपने ऐसे ही बांधा था ना, तो उसी में ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, वो भी अच्छा लगा था सभी को। ऐसे लगाने के टाइम ये लगती नहीं है कि हाथ पे? हाँ, 2 मिनट रुको, मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना। हाँ, तो इसको थोड़ा टाइट लगाना, क्योंकि अगर जब हम सेफ्टी पिन को लॉक करते और छोड़ते हैं ना तो वो थोड़ी लूज हो जाती है। ठीक है, मेरे को ये पिन का बहुत डर लग रहा है यार, ये इधर रख, वो चेंज करो ना, वो क्या पिन दूसरे जगह रखो। तो ये बराबर बैठ गया, ये देखो यहाँ से भी बराबर इतना है, ये देखने का कभी भी यहाँ से इतना और यहाँ से इतना बराबर सेम होना चाहिए। और अगर आपका फेस ब्रॉड है तो ऐसे ही बांधना है, अगर छोटा फेस है तो थोड़ा ये जो नोज है ना यहाँ से कट लेने का। समीर देख रहे, समीर भी सीख रहे। तो ये जो पट्टी है ना, अभी ये जो पट्टी है इसको ही हम ऐसे फोल्ड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड तरीका नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को भी हार्ड ज़्यादा पसंद नहीं है। इतना टाइम का होता है अपने पास जो इतना हार्ड हार्ड चीज़ें करते बैठे, नहीं तो लेयर्स वाले वो भी सब बहुत निकले हुए आजकल ट्रेंड में है वो भी। इसको बराबर से एकदम ऐसे
सर पे पूरे से ऐसे लेना है और यहाँ पे एक पिन से सिक्योर करना है इसको। ये ली मैंने पिन, ये ऐसी पिन लेनी है और यहाँ पे बराबर से सिक्योर करना है उसको। ये हो गया, फिर वापस से इसको मैं ऐसे करते रहती हूँ बार बार, नोक चली ना जाए। और मैं हमेशा तो कैप नहीं पहनती, लेकिन कुछ कुछ दुपट्टे होते हैं जो फिसलते हैं अपने बाल पे से, तो फिर कैप पहनना ज़रूरी है। तो अब ये बच गया हमारा, राइट। यही बहुत प्रॉब्लम देता था मुझे पहले, फिर मैंने इसको सोची कुछ करने का, तो ये मैं ऐसे लेती हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लेना है, पीछे का जो है उसको भी ऐसे लेना है और थोड़ा क्रॉस में थोड़ा ऊपर करो सुनो, थोड़ा क्रॉस में रख के फिर हमको ऐसे रखना है इसको, ठीक है। थोड़ा याद रखना है, याद रखना है, थोड़ा क्रॉस लेके एंड देन लाइक दिस, और फिर इसको सिक्योर करना है यहाँ पे एक पिन और यहाँ पे एक पिन। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ अच्छे से। तो बहुत देर तक मैं ऐसे रुका था, तो मेरे भी हाथ दुख रहे थे, तो फरहान ने बोला अभी मैं पोजीशन मेरी चेंज करती हूँ, मैं खुद ही मिरर में देखती हूँ, तो फिर आप मेरा शूट करना। तो बोलिए फरहान, आप जैसे तो जैसे कि मैंने बताया, ये ऐसा टेढ़ा करके ऐसे लेना है हमको एंड देन इसको अच्छे ऐसे प्लेन करने का। कॉटन का दुपट्टा जो होता है ना बहुत अच्छे से बैठ जाता है, और फिर मैं ना इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ती हूँ ताकि ये मेरे हाथ से ना छूटे, वरना वापस से इसमें सिलवट आ जाती है। अभी फरा को डबल शूट करना पड़ा है, पता क्या फरा, अभी ये व्लॉग हो रहा है, अभी ये रील्स के लिए भी शूट करना पड़ेगा आपको, फिर से दुपट्टा बांधना पड़ेगा खोल के। कुछ भी मैं बोलूं, हाँ तो ये जो बच हड़ू को पहले दोनों में सिक्योर कर लेती हूँ। अच्छा कर लो तो ये हो गया, और ये जो बचा हुआ है इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे पीछे डाल देना है और ये हो गया पूरा। देखो सीना भी ढक जाता है आराम से, फेस भी अपना ढक जाता है बस, और पीछे से भी एक बार दिखा दो। ये एक ही है, सिंपल, बहुत सिंपल है यार, मैंने भी देखा। हाँ, अभी तो फिलहाल मैं ये एक ही बांधती हूँ, जब मैं दूसरा सीखूंगी तो मैं दूसरा भी तरीका बता दूंगी। बाकी तो अभी तक तो मेरे को ये वाला ज्यादा सूट कर रहा है, और बहुत बहुत लोग, यानी कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये। तो आप लोगों ने ही बोला था कि फरादी ये हिजाब अच्छा लग रहा है, तो बस मैंने दूसरा सीखने का रिस्क ही नहीं उठाई, मैंने बस ये वाला सीख लिया और इसी को अच्छे से बांधने का चालू कर दी, और माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। मैं रमजान से तो हिजाब पहन ही रही हूँ, अब तो देख रहे हो ना, मैं भी अभी ना हिजाब के तो नहीं आ रही हूँ, और बहुत लोगों ने मुझे फिर बोला भी कि बहुत अच्छे लग रहे हो आप, हिजाब कंटिन्यू करो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेफ्टी फील होता है मुझे जब भी मैं ऐसे बांधती हूँ ना। तो चलो दुपट्टा अगर ऐसे ही लेते हैं ना तो हमको डर रहता है यहाँ से निकलेगा, दुपट्टा अगर हम बांध देते ना तो कोई डर नहीं रहता, सर पर भी दुपट्टा रहता है, हमारे अंग पर भी दुपट्टा रहता है, कोई बात का डर नहीं। हाँ बस इतना ही कि डिज़ाइन छुप जाती है, ठीक है चलता है उतना, तो अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा। ड्रेस बहुत ज्यादा लूज है, मैंने इसको फिटिंग नहीं कराई क्योंकि धुलने के बाद है ना जो कॉटन के ड्रेस होते हैं ना वो छोटे हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ पहले ऐसे ही पहन लेती हूँ लूज वाला, देन मैं इसको धोती हूँ, धोने के बाद में फिर मैं देखती हूँ अगर फिर भी ढीला है तो मैं उसको फिटिंग कराती हूँ, वरना नहीं कराती हूँ। ज्यादा करके मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं लूज ही कपड़े पहनूँ, आई डोंट लाइक फिटिंग। अभी आप सभी ने देखा ही होगा फरा का जो स्टाइल है, इधर गए मुझे लगा, आ जाओ जल्दी इधर, इसको भी आना है क्या बाहर, चलो इसको इधर ही रखो। तो कैसे लगा फरा का जो हिजाब का स्टाइल है वो ज़रूर बताना, और कमेंट में मुझे थैंक यू बोलना, क्योंकि ये वीडियो के लिए फरा को बोला, वरना वो ध्यान ही नहीं देते, वो इतने बिजी हो जाते हैं ना, वो कुछ देखते नहीं है कि क्या चला है, लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ ले लो ना फिर उसके हाथ में, ये देखे फेंक सकता है फरा, वापस उधर रखो ही मत आप, वो फेंक देगा, वो बहुत शरारती है, फिर नीचे मिलेंगी भी नहीं मेरे को, पता है क्या, वो ये खुद बोल रहे हैं कि समीर फेंकेंगे अपन लेंगे रे नहीं उसके हाथ में से। हाँ तो फेंकना, तो ये है मेरा हिजाब का स्टाइल, और आज आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने और एक चीज़ की है, देखते कौन नोटिस करता है, चलो बता ही देती हूँ क्यों इतना सस्पेंस रखूँ। काजल लगाई हूँ, बहुत लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि काजल पहना करो फरादी, आपकी आईज़ बहुत अच्छी है, काजल अच्छा लगता है,
तो मैं खुद ही हमेशा नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे काजल का जो लुक है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो इट्स गुड, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे बिना काजल के अच्छी लगती हूँ मैं, लेकिन काजल से भी आज मुझे थोड़ी अच्छी लग रही हूँ। मुझे फराह काजल में अच्छे लगते हैं। ये इनका हमेशा होता है कि फराह काजल लगाया करो। तो आई होप आप लोग को मेरा ये अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके बताना। और इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है समीर को, बिकॉज उन्हीं ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैं तो कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ। आप लोगों को तो जैसे पता है मुझे इजान में मैं इतनी मतलब व्यस्त बोल रही हूँ, इतनी बिजी रहती हूँ तो मुझे नहीं जमता, और मोबाइल लेने का टाइम ही नहीं रहता। मैं इजान के अंदर रहती हूँ बार बार, और वीडियो में भी आप देख रहे हो जब से इजान हुआ है मैं ज़्यादा वीडियो में भी एक्टिव नहीं रहती हूँ, थोड़ा बहुत आ जाती हूँ। समीर ही व्लॉगिंग करते हैं, एक्चुअली था चैनल मेरा लेकिन अभी समीर ही करते हैं, तो ठीक है चलो वो भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। स्टार्ट मैंने किया था ना, आप तो काम कर देते ना, मैंने बोली ना मैं ये काम करूँगी। तो कोई नहीं, चलो हम लोग कैसे नोकझोंक चालू रहती है। और अभी इजान भी उठ गया, उसको थोड़ा सा खिलाती हूँ, कुछ भूखा हो जाता है वो उठने के बाद। वैसे तो दूध पीते सो रहा था लेकिन जब मैं हट गई ना बाजू से तुरंत उठ गया, ऐसे ही करता है वो। और भी मुझे अलग अलग स्टाइल सीखने हैं हिजाब के, देखूंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये वाला मुझे थोड़ा ठीक लगता है। मुझे वो बहुत भी ऐसे ऐसे होता है, बहुत ऐसे बड़ा होता है ना पीछे, मुझे वो सब नहीं पसंद है, इतना नहीं अच्छा लगता। वो अलग ही फेस दिखता है उसमें, मुझे नहीं अच्छा लगता। पूरा पीछे का जो होता है ना वो इतना बड़ा है और मुँह छोटा, अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मैं जो अपने नॉर्मल बाल है वो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छे से और ऊपर अपना छोटा जो होता है ना बाल का वो यहाँ पे बांधो तो वो थोड़ा ऐसे उभर के दिखेगा, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता। और ये देखो सब छोड़ता और ऐसे कुछ भी चीज़ ऐसे खेलता, अभी डोर मैट से खेल रहा है वो। क्यों इजान क्यों? अच्छा नहीं, चलो मेरे भी पेरी पेरी आपका। और ना मैंने कैंप से ऐसी वाली मखनी ली थी, ये देखिए ऐसी वाली, बहुत अच्छी है नमाज के लिए। कैसा होता है ना कभी कभी मैं हाफ स्लीव में होती हूँ और नमाज के लिए, फिर इसके अंदर स्लीव्स भी है। ये ड्रेस है देखो मेरा आज का, बहुत ज़्यादा लूज है, बहुत ज़्यादा लूज है, साइज़ बहुत बड़ी है ये, क्योंकि देखो ना कितना लूज हो रहा है, और हैंड्स में भी देख सकते हो, ठीक है लेकिन फिर भी चलता है। देखो यहाँ पे पूरा दिखे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।